लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मतलब बिल्कुल साफ। टेक केयर ऑफ हिम। तो आप लोग क्या? ये नहीं खुलेगा। आना अब खुल जाएगा।
चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुदूत। लॉकर नंबर 32। ये क्या, दूसरा लॉकर क्यों खोल रहे हो? चला। नौ लखा हार, वंडरफुल, थैंक यू प्रिची। देखिए, लोग दिन में अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। उनकी सहूलियत को देखते हुए मैंने ये नाइट बैंक का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, और अब इस रॉबरी के बाद भी मैं बैंक के टाइमिंग नहीं बदलूंगा, क्योंकि बैंक तो दिन में भी लूट जाते हैं। दैट्स राइट। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, मैनेजर की इस स्टेटमेंट को हम लाइटली कैसे ले सकते हैं कि होल्ड अप करने वालों को आपके इलेक्ट्रिकल लॉक का मैकेनिज्म मालूम था? इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। आप हैं मिस्टर हरिहरन, लॉक एंड लॉक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ डिजाइनर। मैंने ये लॉक खास इसी बैंक के लिए डिजाइन किया था, और इसके सर्किट को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मिस्टर हरिहरन, हम किसी मैथोलॉजिकल फिल्म को डिस्कस नहीं कर रहे कि चमत्कार हो गया, एक बैंक लूटा है, और हो सकता है वो ब्लूप्रिंट चोरी हो गया हो। मिस, लॉक का ब्लूप्रिंट ना हमारे पास है ना इनके पास। वो प्रिंट लंदन के लॉयड के पास हमने इंश्योर करके रखा हुआ है। पुलिस भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। क्या बात? इंसाफ का फोन है सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हाँ जनाब, और कुछ पूछना आप लोगों को? हेलो। हाँ हेलो मिस्टर हरिहरन, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप पब्लिक ओपिनियन के दबाव नहीं आएंगे? इस सदमे से सेठ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। आई एम फीलिंग टेरिबली सॉरी। अगर हमदर्दी में आप कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे हैं तो फौरन उसे तार दे के बुला लीजिए, क्योंकि आपकी मौत पर टेरिबली सॉरी फील करने वाला है। यू मीन टू से? यस माय डियर, यू आर राइट। अगर आपके मुंह से बात निकल सकती है तो मेरे रिवॉल्वर से गोली भी निकल सकती है। पर्वतगढ़ पुलिस स्टेशन। गुड इवनिंग सर। व्हाट? बैंक रॉबरी? चार डाकू सफेद कार में? सर, आपने ये खबर रेडियो से ब्रॉडकास्ट की होगी। ओह, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं पर्वतगढ़। सर, यहां तो वे सिर्फ एक ही जगह छुप सकते हैं। पर्वत महल। ये महल एक जमाने में सूर्यवंशी राजाओं का अय्याश महल था। 17वीं सदी में वीर विक्रम महाराज मार्तंड बहादुर सिंह ने पुर्तगालियों को हराकर इस महल की बुनियाद रखी। उनके पोते चंद्र प्रताप सिंह दिमाग के इतने तेज थे कि अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत देखकर बिना लड़ाई लड़े उनके सामने हथियार डाल दिए। उसके बाद इनके शौक बन गए शिकार खेलना, पोलो खेलना, घोड़ों की रेस में रुपया हारना। सारी रात बाईजी नाचती थी और सारा दिन ये सोते थे। एक दिन जागे तो ताज और तख्त सब छिन चुके थे, बस ये पर्वत महल बचा था। और उस दिन पर्वत महल के आगे एक शब्द और जोड़ना पड़ा, होटल। ये उस शाही खानदान की टूटती हुई कड़ी की आखिरी अकड़ महारानी चंद्रभागा राजे पर्वत महल होटल की मालकिन महारानी के एकमात्र पौत्र युवराज कुलदीप इंद्र नारायण सिंह बहादुर, राजकुमारी कृष्ण राजे महारानी चंद्रभागा की पोती, कृष्ण राजे की छोटी बहन कावेरी। इस महल में कोई बाहर का झोंका है तो ये राजकुमारी गंगावती। जी नहीं, ये दूरबीन से कुदरती नजारों की खूबसूरती का मजा नहीं ले रही, ये तो ढूंढ रही है कि कोई ग्राहक इनके महल की तरफ आ रहा है या नहीं, क्योंकि पिछले 19 दिन में पर्वत महल होटल में सिर्फ एक ग्राहक आया था। किशन दीदी, कावेरी,
आ गई। तुम ये काम संभालो, मैं रिसेप्शन पे जाती हूँ। गणपत काका टूरी जा रहे हैं। गणपत नमस्कार, हम होटल पर्वत महल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो रियल पैलेस है। हाय भैया। आई ये प्रेस रिपोर्टर्स को क्यों लाए हो? होटल की पब्लिसिटी के लिए। ये लोग हमारे होटल के बारे में इतना लिखें और ऐसा लिखें कि फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल और अजंता एलोरा केव्स को भूल के सिर्फ सिर्फ हमारे पैलेस को देखने आए। वंडरफुल आइडिया, रियली वंडरफुल। अरे इस आइडिया को अमल में लाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है मैम साहब। वो तो मैं समझ गई, दादी माँ से पूछ लिया। दादी माँ से? तुम ही उनसे बात करो ना, दादी माँ को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं मना सकता है। मैं नहीं मनाऊंगी उन्हें, तुम खुद ही बात करो और तुम्हारे प्लान्स तुमको मुबारक हो। अरे मेरे देखो कुलदीप, अगर ये भी रुपया हथियाने का बहाना निकला तो मैं तुम्हें। नॉट अ चांस दादी माँ, नॉट अ चांस। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप जरा ये तो सोचे कि मैं किसका पोता हूं। क्या स्वर्गीय महाराजा विक्रम सिंह का पोता प्रिंस कुलदीप सिर्फ 10,000 रुपए के लिए अपनी दादी माँ से झूठ बोलेगा? नेवर। अच्छा ठीक है, एक बार फिर भरोसा करके देखती हूँ, कृष्ण से ले लेना। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू वेरी मच, यू आर सो स्वीट। बाय, कम ऑन मूव डार्लिंग मूव, यू आर माय थम्स अप, माय फैंटा, माय सोडा, कम इनसाइड। ये राजा, आंखें मत खोलना नहीं तो पाप उतर जाएगा। आंखें बंद कर लो राजा बाबू प्लीज। आंखें तुम बंद कर दो ना प्लीज। आंखें तो बंद कर दी तुमने मगर होंठ कौन बंद करेगा? कम ऑन डार्लिंग, वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। ए खोलना नहीं, ये काम मेरा है। तू चलना यार, तू भी जा, आदमी देखती शुरू हो जाती है। इतना मेरे पास ठीक है बॉस, ब्रेक लग रहा है, चल मुझे बाहर निकल। जा जैकेट ले गया। जैकेट किस लिए? अबे गाड़ी का ट्रायल लेना है, जा। ट्रायल लेने के लिए जैकेट की क्या जरूरत है? अबे जरूरत है, जा। लो बॉस। कौन कौन सा पाना लो बॉस? कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ, समझे? ठीक। प्रकाश। मामा। कहाँ जा रहा है तू? इस गाड़ी का ट्रायल लेने जा रहा हूँ। क्या बात है, आजकल तू ट्रायल बहुत दे रहा है, जब देखो तो। अरे मामा देखना जाएगी नहीं गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं, वरना ग्राहकों का भरोसा उठ जाएगा हमसे। मामा जी ब्रेक फेल इस कार का हुआ था, वो ट्रायल उस कार का ले रहा है। वो ट्रायल लेने थोड़ी गया मामा जी, वो तो पर्वत महल गया है। पर्वत महल? हाँ मामा जी। अरे रे रे रे, गाड़ी को अभी खराब होना। May I help you? अरे तुम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये साली, लगता है इसके खानदान में किसी ने इश्क किया ही नहीं। पर जनाब, आप मेरे यहाँ क्यों रहे थे? ये दौरान है कि तुम मेरे सपनों की रानी हो और मेरे दिल के आंगन में चांद बनकर उतर आई हो। लेकिन पिछली बार तो तुमने दूज का चांद कहा था। दूज का चांद कहा था? ठीक है, कोई प्रोग्रेस तो होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस और आगे नहीं हो सकती। वो क्यों? तुम्हारा ये चांद बादलों में छिपने वाला है। वो कैसे? हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, दादी माँ का फैसला है। 19 दिन से होटल में एक ही गेस्ट आया है, ये होटल चलता ही नहीं। बस होटल चलने की बात है ना, मैं होटल चला दूंगा।
बस गंगा आज पानी बरस जाए, होटल फुल। और अगर नहीं बरसा तो? अरे बरसेगा बरसेगा, मैं जरा इंद्र भगवान को मस्का मारता हूँ, मैं एक मल्हार छेड़ता हूँ। हे इंद्र भगवान। मुझे रागों की पहचान नहीं, मैं एक मल्हार राग है, धीरे धीरे असर होगा। शाम तक देखना, आसमान में बादल छा जाएंगे, मुसलाधार बारिश होगी और तुम्हारे होटल के सारे कमरे मेहमानों से भर जाएंगे।
होटल के कमरों और मेहमानों से बारिश का क्या ताल्लुक है? ये ट्रेड सीक्रेट है, शाम तक पता चल जाएगा। अरे प्रकाश, मीटर बंद कर दे, इस बरसात में अब कोई गाड़ी आने वाली नहीं। अरे ऐसी अशुभ बातें क्यों करता हूँ मामा, पहले से कोई धंधा नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर और देख कर आता हूँ। जैसी तेरी मर्जी, पर तेरे जल्दी आ जाना। जय राम जी की। ये ला चाबी, टंकी फुल कर। तभी तो पेट्रोल भर, मैं ऑयल पानी चेक करता हूँ। वॉलेट खोलिए। हाँ हाँ जल्दी करो। अरे बंद हो जा भाई। ₹115। रिलैक्स। क्या बात है, गाड़ी कभी स्टार्ट हो रही, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो ठीक चल रही थी। ए भाई क्या हुआ, जरा देखना गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। बॉनेट खोलिए। रॉकी बॉस, तू भी उतर के देख। जी। सॉरी, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया, कल तक ठीक कर दूंगा। अभी क्यों नहीं? अरे साहब, गांव खेड़े में स्पेयर पार्ट्स थोड़े ही मिलते हैं। तो क्या रात भर हमको गाड़ी में रहना पड़ेगा? अरे साहब, गाड़ी में क्यों जाएंगे, अब मैं फर्स्ट क्लास होटल में ले चलता हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। लेकिन जाएंगे कैसे? अरे जाएंगे कैसे, रवि जरा मेरा रोल्स लेकर आओ। तुम्हारे पास रोल्स है? अरे साहब, देसी गाड़ी का अगर विलायती नाम ही रखना है तो अच्छा सा बड़ा सा नाम क्यों ना रखे। हाँ आइए आइए। इस वीरान और सुनसान इलाके में किस अकलमंद ने यहाँ होटल बनाया है? 17वीं सदी में वीर विक्रम महाराजा मार्टन बहादुर से। क्या कह रहे हो? या देखिए, समय के साथ साथ दौलत तो बहेगी, रह गए बड़े बड़े खिताब और महल, पेट पालने के लिए महल को होटल बना दिया। अच्छा, अब तो हमारे देश के सभी महल होटल बन चुके हैं और राज महाराज उनके चेयरमैन। देखिए साहब, यही क्या होता होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन इस महल की महारानी जो है ना, उनके दिमाग में अभी भी महारानी होने का नशा चढ़ा हुआ है। जरा सोच समझ कर बात कीजिएगा। अजी सोच समझ कर तो उनको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, हमारे साथ जो इतना लंबा चौड़ा महाराजा बैठा है। महाराजा मोहन का। अजी साहब, तब तो नाटक खूब जमेगा। जा सामान लेकर आ जा। आइए। नमस्कार, हम होटल पर्वत महल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये है हिज हाइनेस महाराजा मोहनगढ़, और ये है इनके ADC, और ये है पर्वतगढ़ की प्रिंसेस कावेरी कृष्णा गंगा। योर हाइनेस, हमें ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमें सिर्फ हमारे जाति नाम से पुकारें। काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती कि हिज हाइनेस के खिताब को अपने नाम से अलग कर सकता। योर हाइनेस, आप तो ग्रेट है, बिल्कुल इनकी तरह। इन्होंने तो अपने खिताब छोड़ दिए और आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुड लक। गंगा, इन्हें इनका रूम दिखा दो। हाँ, चोला स्वीट। आइए। आइए, ये लीजिए आपके कमरे की चाबी। डिनर्स इन द डाइनिंग हॉल एट 9 PM। ये मेरी बड़ी दीदी है प्रिंसेस कृष्णा राजे, जिन्हें अभी आपने काउंटर पे देखा है। अब ये कहाँ की महारानी है? इनकी अभी शादी नहीं हुई, आप आराम कीजिए, मैं भी चाय भेजती हूँ।
प्रकाश, ये बारिश कैसे? मैंने कहा था ना, मेक मल्हार का असर जरा देर से होता है। लेकिन तुम इन सबको लाए कैसे? ये सब इनका कमाल। ये क्या है? कंडेंसर वायर कट, पैसेंजर परेशान, रात भर रह का होटल पर्वत महल। मैं चलता हूँ दूसरे पैसेंजर्स की परेशानी दूर करने। बाय। यू आर ग्रेट। In the history of Parvat Mahal, ये पहला दिन है, I mean पहली रात है, जब हमारे होटल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग सकता है। Not yet, my dear, एक कमरा खाली है। वो डाकू आ जाए तो हाउसफुल, मजा आ जाएगा। कावेरी, राजकुमारियों को आम लोगों की तरह खुशियों में उछलना शोभा नहीं देता है। दादीमा, मैंने तो आपको नींद की गोली दी थी। हमारे महल के घंटे इतने बुलंद है कि कुंभकर्ण भी जाग जाए। दादीमा, प्रकाश ने तो आज कमाल कर दिया, इतने सारे मेहमान लाए कि पूरा होटल फुल हो गया है। गुड इवनिंग सिस्टर, हम होटल पर्वत महल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये है हर हाइनेस महारानी चंद्रभागा राजे, इस होटल की मालकिन। प्रकाश, इन लोगों की गाड़ी का रंग क्या है? व्हाइट। व्हाइट? ओह गॉड, क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप लोग नंस की भेष में दरअसल डाकू हैं। अरे नहीं रानीमा। ये क्या कह रही हैं आप? अरे रानीमा, ये सब असली है, असली। तुम्हें कैसे मालूम इनकी यूनिफॉर्म के अंदर क्या है? फिजिकल चेक लेना ही पड़ेगा। ये फिजिकल चेक क्या होता है? इनकी असलियत मालूम करनी है हमें तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे नहीं, नहीं। मगर हम चेक तो जरूर करवाएंगे। सवाल ये है कि ये काम कौन करेगा? अब मैं ही चेक कर लेता हूँ। व्हाट? मेरा मतलब, ये बार बार तुम आंखें क्यों मारते हो? कंकर चला गया। प्रकाश, मैं कर लेती हूँ। लेकिन क्यों? मगर लेकिन किस लिए? कृष्णा दीदी इनके साथ क्या कर रही है? जो दादी माँ ने कहा है। तुम्हारी दादी माँ पागल है। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? वो यही कह रहा हूँ कि आपने जो किया ठीक ही किया। डाकू लोग किसी भी भेष में आ सकते हैं। देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सिस्टर्स, हम लोग मिलकर सिर्फ एक्टिंग करेंगे। दरअसल हमारी जो दादी माँ है ना, थोड़ी सी समझ गए। ओह गॉड, चलिए एक एक करके अपनी सब चीजें उतारिए। नो नो, प्लीज लीजिए, हमारी बारी लीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, ये तो दादी माँ का हुक्म है, चलिए। और आप क्यों इस तरह खामोशी से खड़ी हैं? चलिए जल्दी एक एक करके हर चीज उतारिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि किस बुरी हालत में होंगी। जी जी, ये दादी माँ का जुल्म है। ऐसी चीजों की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। अरे कल्पना नहीं, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ कि किस तरह सहमी हुई खड़ी हुई है। तो आंखें खोलो ना, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। क्या बताऊं? अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाइए। हमें अपने बर्ताव के लिए अफसोस है, लेकिन क्या कर सकते थे, पुलिस के ऑर्डर्स हैं। थोड़ी देर बाद बाहर आ जाना। मैंने पूरी तरह चेक कर लिया दादी माँ, ये सब बिल्कुल असली है। हाँ, मैं इस रॉयल होटल में कैसे गलत आदमियों को ला सकता हूँ। थैंक यू प्रकाश। इसको क्या हो गया? अच्छा, हमारी तरकीब हमारे ऊपर। जी हाँ, मियाँ का जूता, मियाँ का सर। गंगा, बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। जाओगे कैसे? तुम चले जाओगे तो मेहमानों को एंटरटेन कौन करेगा? लोबो। लोबो तो 20 दिन से आ ही नहीं रहा। हाँ बेचारा आकर भी क्या करता, तुम्हारे चेयर टेबल को गाना सुनाता। लेकिन आज तो होटल फुल है ना, चलो हमारे साथ मिलकर तुम्हें ही गेस्ट को खुश करना पड़ेगा, चलो। अरे कम ऑन।
जो आप आए बहार लाए, जो आप आए बहार लाए, हम तो नाचेंगे गाएंगे। आप जैसे प्यारे मेहमान आते हैं रोज कहां, आए तो झूमे दिल की जवान। जो आप आए बहार लाए, अरे हम तो नाचेंगे गाएंगे। आप जैसे तो प्यारे मेहमान आते हैं रोज कहां, आए तो झूमे दिल ये जहां। जो आप आए बाहर लाए। चलती हुई इस वक्त की धड़कन थम गई। हम है जहां समझो वहां महफिल जम गई, चलती हुई इस वक्त की धड़कन थम गई। रुके खुशी के हम तो सभी कुछ है अजनबी, कल देखिए क्या मोड़ ले किसकी जिंदगी। ना जाने बने क्या दास्तां, आप आए बाहर लाए। जब दिल करे आ जाइए, जब भी आएंगे, वादा रहा हम आपका दिल बहलाएंगे। जब दिल करे आ जाइए, हम भी आएंगे, वादा रहा हम आपका दिल बहलाएंगे। रंगीला बनेगा फिर समां, जो आप आए बहार लाए, हम तो नाचेंगे गाएंगे। अरे मेरे सपनों की रानी, अब तो तुम खुश हो ना, सारा होटल फुल कर दिया, अब दादी माँ को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। पर ये बरसात रोज रोज पड़ी आएगी। अरे बरसात नहीं होगी तो गर्मी होगी ना, जब गर्मी से पत्थर फट सकते तो टायर भी फट सकते, अब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं। अरे वाह, व्हाट अ गुड आइडिया। लेकिन आइडिया से क्या काम जब मेरा कोई फायदा ना हो। क्या मतलब? क्या मतलब, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया? ओफो, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे नहीं, ऐसे तुम तो बड़ी वाली फुल फुलूटी को बहुत टुकुर टुकुर देख रहे थे, पसंद आ गई होगी इन्हें। पसंद के लायक तो तीनों ही थी भाई, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो तीनों और अब चार। देखो यहाँ हम शरीफ आदमी की हैसियत से ठहरे हुए, कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, समझे? समझे। चलो, चलो। योर हाइनेस,
आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा? Wonderful, fabulous. Thank you. ऐसा शो तो हमने यूरोप में भी नहीं देखा. हाँ, हमने यूरोप में भी देखा. इतनी रात को कौन हो सकता? कहीं वो बैंक रॉबर्स तो नहीं? गणपत काका? उड़ गया कबूतर. नहीं, अंदर ही रह गया. बाहर जाता तो मर जाता. बहुत ठंड है बाहर. हाय, हेलो. आप अकेले आए हैं? आपके और तीन साथी कहाँ हैं? साथी मेरे? हाँ, बैंक रॉबर्स तो चार थे ना. बैंक रॉबर्स चार थे? एक, दो, तीन, चौथा किधर है? जनाब. गुड नाइट प्रिंसेस. गुड नाइट. बाय बाय. अंग्रेज चले गए. शट अप और गेट अप बाकी रह गया. मुझे नहीं पहचाना. मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं शांति दूत हूँ. पूरी तरह भीग गया हूँ. मेरे पेट में भूख लगी है. मेरे खाने का. नींद आ रही है. मेरे सोने का बंदोबस्त कीजिए. जी, हम होटल पर्वत महल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. गणपत काका, कोई कमरा खाली नहीं. उड़ गया कबूतर. क्या आपने मुझे कबूतर कहा? कबूतर नहीं, मेरे मित्र. तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ. तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. हाँ, मैं पक्का वादा करता हूँ, सीमेंट जैसा सॉलिड, कि आज के बाद मैं कभी देर से घर नहीं आऊंगा. देर सवेर का तुझे कभी होश होता है? आज के बाद खाने के लिए मैं तेरा इंतजार करने वाली नहीं. अच्छा? हाँ. अच्छा माँ, तुम मुझे एक दिन खिलाए बिना खा सकती हो? खा नहीं सकती, सो तो सकती. हाँ, सो सकती हो. अरे माँ, तुम्हें इस ख्याल से नींद नहीं आएगी कि मेरा बेटा भूखा है. जवाब तो हर बात का रहता है. माँ का न सही, कम से कम मामा का तो ख्याल करो. बेचारे भूखे सो गए तो. अरे सुने दे माँ, सुने दे. क्यों? एक दिन मामा नहीं खाएंगे तो मोटापा कम हो जाएगा. क्या कहा? अरे बाप रे, मैं तुझे मोटा दिखाई देता हूँ. मोटा? किसने कहा? किसने आपको मोटा कहा? वही अगर आपको मोटा कहकर दिखाए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा. लेकिन हम क्या करें, जब आपकी बहन खुद आपको मोटा कह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते. झूठा कहेगा? मैंने भैया को मोटा कहा? देखा, फिर मोटा कहा कि नहीं? सावित्री छोड़े से, मैं इसे जानता नहीं क्या? अब तुम दोनों को खाना खाना है या नहीं? नहीं तो मैं अकेले जाकर खाना खाता हूँ. मेरे बगैर खा लेंगे आप? बेटे, तेरी पैदाइश से पहले भी मैं अकेले ही खाना खाया करता था. वो तो आपको देख कर ही लगता है कि आप अकेले ही खाया करते थे. शैतान कहेगा. अब्दुल, क्या बड़ी जल्दी आ गए आंखें से कर उस फुलफुलूटी से? शराब, वो पैसे निकालो जो तुमने मेरे रूम से चुराए. ओहो, चुराए? उस पैसे में मेरा भी हक है. लेकिन जब मैं तुम्हें दूंगा. अरे वाह, तुम तो वाकई में महाराजा बन गए. मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है. और मुझे बेईमानी पसंद नहीं है. व्हाट? आगे बढ़े तुम, मार दूं. क्यों अपने से खोलता है? क्यों बना बनाए खेल बिगाड़ता है? ले जाओ इसे. क्यों बेवकूफी करता है? चल. ये कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है योर हाइनेस. बेहतर यही होगा कि आप ये होटल इसी वक्त छोड़ दें. I'm sorry, princess. लेकिन इसी रात में हम जाएंगे कहाँ? That's not my problem. हम आपके होटल से कल चले जाएंगे. कल नहीं, अभी इसी वक्त. राजकुमारी जी, ये तो सरासर अन्याय है. इस तूफानी रात में ये कहाँ जाएंगे? और फिर चंद घंटों की ही बात है. ठीक है, चेक आउट इन द मॉर्निंग. थैंक यू. बचा दिया ना. शुक्रिया नहीं अदा करेंगे हुजूर. शुक्रिया, बहुत बहुत मेंशन नॉट.
राजकुमारी जी, क्या है? ये अंगूठी फर्स्ट फ्लोर के लैंडिंग में मिली है। हो सकता है डिजाइनर्स मोहनगढ़ की हो, मारपीट के समय गिर गई हो। तुम जाओ, मैं काउंटर में रख दूंगी। जी हो। अब एक तोहफा आपके लिए मेरी तरफ से। It's beautiful. पसंद आया? Of course. यही देने तो मैं तुम्हारे घर आ रहा था। कौन सी सदी का है? राजा हर्षवर्धन ने अपनी पटरानी को अपनी शादी की पहली सालगिरह के मौके पर बतौर तोहफा दिया था ये। Really? Sold. अरे तुम कोई अमेरिकन टूरिस्ट थोड़ी हो जो तुमसे झूठ बोलूंगा। तब तो ये बहुत कीमती हो। हाँ, अमेरिकन दे देगा 1-2 लाख यूएस डॉलर में। तो तुम ही रखो ये कीमती तोहफा, किसी अमेरिकन टूरिस्ट को दे देना, तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। और अगर मैं कहूँ तुम ही मेरी तकदीर हो? Don't talk like a teenage lover. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज मैं भैया से तुम्हारे और अपने बारे में बात करने वाली। Impossible! दिनेश के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन आखिर क्यों? अपने क्यों का जवाब खुद अपनी आंखों से देख लो। Come on. ये तो दिनेश की गाड़ी। चल चल जल्दी, देरी हो गई। चलो चलो। ये घर भी दिनेश का है। क्या बात कर रहे हो? मैंने दिनेश का घर देखा है। वो उसका बिजनेस हाउस है, लेकिन वो रहता यहाँ है। वो देखो, उसकी बीवी बच्चे। दिनेश हर रोज ठीक इसी समय अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। चलो यहाँ से। शांति शांति, जरा उसकी धर्म पत्नी उसकी बीवी से तो मिल लो। चले चलो। आइए दिनेश बाबू, आइए। कृष्णा जी हैं? राजकुमारी पर्वत गढ़ गई हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी शादी होने वाली है। तुम्हें भी अपनी इस अनफॉर्चुनेट मोहब्बत को एक गंदे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। वगैरह तुम ठीक कहते हो प्रिंसी। शान से जियो, टट कर दौलत कमाओ। थैंक यू। राजकुमारियों की भीड़ लग जाएगी चारों तरफ तुम्हारे, और उस वक्त मेरी बहन को इस बात का एहसास होगा कि उसने किस हीरे को अपने हाथों से खो दिया है। लेकिन दौलत कमाने के रास्ते क्या है? आओ मेरे साथ। कब? बैठो। मेरे भाई, दौलत कमाने का रास्ता जरा जरा टेढ़ा है। सीधे रास्ते से दौलत हाथ में आती नहीं। तुम बोलो तो अभी बैठे बैठे मैं तुम्हें 2 लाख रुपए की मजदूरी दिलवा दूं। 2 लाख रुपए? यस डियर। और काम भी है ऐसा, हिंग लगे ना फिट करी रंग चौका हो जाए। 2 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। काम क्या है? बैंक में जाना, लॉकर खोलना, उसके बाद उसमें से चंद तस्वीरें भूता और चंद हसीनों का खतूत है वो निकाले और बाहर आ गए। बोलने में मुझे 30 सेकंड लगे हैं, और थोड़ा टाइम जोड़ लो, 5 मिनट। सौदा बुरा नहीं है, 1 मिनट में 40,000 रुपए। 40,000 रुपीज पर मिनट? यस माय डियर। और बाजू में एक लॉकर है, लॉकर नंबर 32, जो मेरी दादी का है। उसमें से एक हीरे का हार भी निकालना। 1 लाख रुपया मैं दूंगा, यानी के 60,000 रुपीज पर मिनट। वाह प्रिंसी, तुम वाकई राजघराने की शान हो यार। क्या धंधा बताया? वादा करो कि तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं करोगे। प्रिंसी, मैं तुम्हारी बहन कृष्णा नहीं हूं। सब गाड़ी ठीक करनी है। आया मामा, तुम इतनी सुबह? ये तुमने ठीक नहीं किया प्रकाश,
ग्राहकों को पता चल जाए कि तुमने कंडेंसर की तारें काट कर ये सब। बेफिक्र रहो मामा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मगर तुझे ये करने की जरूरत क्या थी? देखो मामा, अगर मैं ये नहीं करता तो पर्वत महल को ग्राहक ना मिलते, और अगर पर्वत महल को ग्राहक ना मिलते तो महारानी और तीन पतियों की जो हालत अब है ना, उससे भी ज्यादा खराब हो जाती। तुझे उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है भाई? अरे मामा, काश मैं तुम्हें बता सकता। बॉस, मैंने मामा जी को सब बता दिया है। एक बात याद रखो प्रकाश, पुराने शाही खानदान की अकड़, वो महारानी टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। तुम जैसे साधारण आदमी को अपनी बराबरी का हक देने को कभी तैयार नहीं। मामा, जिस दौलत की दीवार का सहारा लेकर महारानी की अकड़ बनी है ना, जब वो दौलत ही नहीं रही तो महारानी मैं और हम में फर्क क्या है? बेटे, ये हम समझते हैं, महारानी नहीं। वो भी समझ जाएगी, वक्त आने पर महारानी भी समझ जाएगी। वक्त। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। ये गाड़ियां? वो पिछली रात बहुत सी गाड़ियां बंद हो गई। और गाड़ियों के पैसेंजर्स? क्यों, आपको किसी की तलाश है? पैसेंजर्स कहाँ हैं? पर्वत महल होटल में। ठीक है, बाय बाय इंस्पेक्टर। कल रात एक महाराज साहब भी आए थे। जी हुकुम, महाराजा ऑफ मोहनगढ़। मोहनगढ़? ये मोहनगढ़ कहाँ है? जी राजस्थान में। ओ, राजपूत है। His Highness आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। अब की बार हम अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गणपत। जी हुकुम। महाराज की सेवा में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। थैंक यू योर हाइनेस। कल रात मेरी अंगूठी गिर गई थी। अंगूठी? जी योर हाइनेस, वो अंगूठी मैंने बड़ी राजकुमारी जी को दी थी, उन्होंने काउंटर के द्वार में रख दी है। वन मिनट प्लीज। अच्छा नीलम है, और नीलम तो हमारे खानदान की राशि का पत्थर है। ऐसी एक अंगूठी हमने कृष्णा को दी थी। अजीब इत्तेफाक है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। दीदी, मैं जानती हूँ दादी माँ का हिज हाइनेस को रोकना तुम्हें बुरा लगा है। महारानी जी को किसी के मान अपमान की क्या परवाह? रहने दो ना दीदी, वो महाराजा है और हमें पैसे की सख्त जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम ये जगह क्यों छोड़ना नहीं चाहते। दीदी, मुझे तो शक है वो महाराजा साहब अपना बिल भी चुका सकेंगे या नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम जानती हो उन्हें? बेटा, जरा कोल्ड कट का प्याला लाना। जी हुकुम। वो दिनेश है। दिनेश? कौन? तुम्हारा दिनेश? हाँ। फिर तो हमें उसे रोक के सबक सिखाना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंसेस कहाँ रही, कावेरी कही है। बैठो कावेरी, प्लीज सिट डाउन। शक्कर योर हाइनेस। वन टीस्पून प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आपको ये जगह कैसे लगी? बहुत कमाल की जगह है, एकदम अलग थलग, शहर के शोर शराबे से दूर। I like it. मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। दीवार पर कैलेंडर ना हो तो एक दिन को दूसरे दिन से अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाने में मटन करी हो तो फ्राइडे है, चिकन करी हो तो ट्यूसडे है। अरे हाँ, कल रात इंस्पेक्टर कामत बता रहे थे कि यहाँ पर कोई बैंक रॉबर्स आने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड होगी, लेकिन आए नहीं। आते तो बड़ा मजा आता ना। प्रिंसेस, आई मीन कावेरी, तुमको डाकुओं से डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं? सुना है डाकू तो बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन होते तो आदमी है ना। हाँ भाई, आदमी तो जरूर होते हैं। लगता है कोई और गेस्ट आ गया, शायद वही डाकू हो। वो भी सकता। एक्सक्यूज मी योर हाइनेस। नमस्ते रानी साहिबा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे डाकू तो नहीं आए? रानी साहिबा, ये तो मैं आपके सारे कस्टमर्स से मिलने के बाद ही कह सकता हूँ। ये हम कर चुके हैं, और तुम्हारी आंखें हमारी आंखों से ज्यादा तेज नहीं। योहानस।
हाइनेस इंस्पेक्टर कामत इस हाइनेस महाराजा और महंत है। हेलो चलिए अब इन पर भी शक कीजिए। शक किस बात का शक? कुछ दिन पहले एक बैंक लूटा गया, इनका ख्याल ये है कि वो डाकू पर्वत महल में ठहरे हुए हैं। वैसे इनका ख्याल भी सही है, ऐसे रिस्पेक्टेबल होटल से अच्छा हाइड आउट कहाँ मिल सकता है। थैंक यू। वैसे अगर मैं भी डकैतों की जगह होता तो यहीं ठहरता। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले मेरी तलाशी लीजिए। बैंक रॉबर्स लूट का माल जेब में नहीं रखते, मैं आप लोगों के सामान की तलाशी लूंगा। इंस्पेक्टर कामत, तुम ना हमारे मेहमानों की ना उनके सामान की तलाशी ले सकते हो, ये हमारी तौहीन है। पर रानी साहिबा, तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी, अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो हमें सर्च वारंट लाना पड़ेगा। ठीक है, ले आना। Your Highness. After you. तो हम भी बैठ गए। अंकल एक कहानी सुनाओ ना। कहानी? उड़ गया कबूतर। तो बैंक रॉबरी की कहानी सुनो, समझ लो कि उस कहानी में मैं चार डाकुओं का सरदार हूं। एक दिन हमने रात में बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया। रात ऐसी अंधेरी कि हाथ को हाथ न सुझाई दे, बिजली कड़कड़ कड़कड़ चमक रही थी, बादल गड़गड़ गड़गड़ गरज रहे थे। हम पाइप के जरिए हल्लू हल्लू बैंक की छत पर चढ़ गए और हमने छत को शुरू किया और धम से बैंक के हॉल में कूद गए। क्या उस बैंक में वॉचमैन नहीं था अंकल? वॉचमैन था लेकिन वॉच नहीं थी, हमने दबोच लिया वॉचमैन को, रस्सी नहीं थी, मूछे थी, वॉचमैन की मूछे थी, इतनी लंबी मूछे कि उन्हीं मूछों में हमने वॉचमैन को लपेट कर एक कोने में डाल दिया। फिर हमने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर दिया और बादलों की गरज में उस ब्लास्ट की आवाज दब गई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक ब्लास्टिक, मजा तो अब आएगा। पुलिस हम बैंक रॉबर्स पुलिस से नहीं डरते, पुलिस हमारे लिए चींटी है, यू नो एंट्स, जब चाहा मसल के फेंक दिया। अच्छी वर्दी है, कौन सी नाटक कंपनी में काम करते हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बहुत पुराना डायलॉग है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ये देखो, असली है, पकड़ा गया कबूतर। मगर आप मुझे क्यों गिरफ्तार करते हो? बैंक रॉबरी के जुर्म में। कौन सी बैंक रॉबरी? वही बैंक रॉबरी जिसकी बात तुम अभी सुना रहे थे। अरे मगर वो तो मैं, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या करते हैं आप? अरे मुझे दरख्त तो पकड़ने दीजिए, अभी छूट गया। अंकल को क्यों ले जा रहे? ये तो हमें स्टोरी सुना रहे थे। हाँ मैं इनको स्टोरी सुना रहा था। अंकल ये हम लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे आप जा करें, मैं आपको भी स्टोरी सुनाता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर था, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कल रात जो गाड़ियां बंद पड़ गई थी वो ठीक हो गई? अरे साहब वो तो मेरे बाएं हाथ का काम था, लेकिन डिलीवरी तब तक नहीं दोगे जब तक मैं ना कहूं। जी हाँ समझ गया, आपको भी महारानी की बीमारी लग गई। क्या मतलब? मतलब ये कि महारानी ने कल डकैतों के चक्कर में चार नंस की बॉडी सर्च करवा ली। कमाल है, खुद बॉडी सर्च करवा ली, और जब मैं तलाशी के लिए पहुंचा तो मुझसे सर्च वारंट की मांग की। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं दो चार स्क्रू ढीले हैं। जिस दिन उसका स्क्रू टाइट कर दूंगा उस दिन पता चलेगा महारानी को। इंस्पेक्टर साहब इसका असर पोतियों पे तो नहीं पड़ेगा? क्यों, बहुत हमदर्दी है पोतियों से। कौन सी पोती में नजर है? बीच वाली। लेकिन जिस दिन महारानी को पता चल गया वो तुम्हें गोली से उड़ा देगी। अरे इंस्पेक्टर साहब प्यार क्या तो डरना क्या, हा? लेकिन एक सच बात बताऊं, महल की सारी बंदूकों में जंग लग गया है। विश यू गुड लक। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ मॉर्निंग प्रकाश। देखा कितनी इंटरेस्टिंग जगह में लेकर आया। भाई यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग आइटम तो तुम हो, मोटर मैकेनिक होटल एजेंट एंड सिंगर, यानी कि 3 in 1। ऐसा 4 in 1। मैं इस जगह का रिपोर्टर भी हूँ, मैं खास खबर दूँ। सुनाओ।
कल मैं जितने मुसाफिर होटल में लेकर आया उनमें से चार बैंक रॉबर्स भी हैं। बैंक रॉबर्स? यू मीन सचमुच के बैंक रॉबर्स साहब। इंस्पेक्टर तलाशी लेने आया तो महारानी ने डांट कर भगा दिया। वो समझती हैं आज भी उनका राजपाट चलता है। इंस्पेक्टर सर्च वारंट लेकर आएगा तो उनकी इज्जत का भाई भला नहीं हो जाएगा। अब जरा उन्हें समझाइए, आप भी तो महाराजा हैं। अरे नहीं यार, मैं कोई महाराजा वाराजा नहीं, तुम्हारी तरह ही इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये हुई ना बात, इंसान को हमेशा वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन हमारी महारानी तो बस वही झूठी शान, नहाने धोने के लिए भी सिंहासन से नहीं उतरना चाहती। बहुत नाराज लगते हो महारानी से, कोई टकराव हो गया क्या? हुआ नहीं, अब होने वाला है। क्यों? देखिए गंगा दादी माँ के सामने सर नहीं उठाएगी तो मुझे ही सिरा ठोक के बोलना पड़ेगा ना। गंगा? ओ समझ गया, तो तुम भी किसी राजकुमारी के प्यार का शिकार हो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर 4-in-1 कि ये राजकुमारियां प्यार भले ही किसी से करें लेकिन शादी राजकुमारों से ही करती हैं। क्या कह रहे हैं आप साहब, आपने सुना नहीं कल बोलो कह रही थी कि अब हम राजकुमार हैं नहीं, हमारी तरह इंसान बन गई है। जाइए, आपकी इंसानियत आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। बड़ी देर लगा दी, क्या सारी की सारी गाड़ियां ठीक कर दी हैं? मैं पागल थोड़ा ही हूं जो गाड़ी ठीक कर दूंगा, ग्राहक सारे चले नहीं जाएंगे। कुछ दिनों के लिए होटल को फुल रखना है, वैसे ठीक होने में 4-5 दिन लग जाएंगे। पर कुछ भी कहो, हमने ये ठीक नहीं किया। हाँ सबरे मामा भी यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? उन्हें मेरी रात वाली मैजिक का पता चल गया है। ओह गॉड, पूछ रहे थे कि हमने ये गलत काम क्यों किया। तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब दूंगा, साला उस रवि ने सब कुछ बता दिया। तो फिर मामा ने क्या कहा? मामा ने कहा मुझे तुझ पर नाज है भांजे, इसी तरह लोगों की गाड़ियों के कंडेंसर पाइप काटते रहो और होटल पर्वत महल फुल करते रहो। मजाक छोड़ो, सच बताओ ना मामा ने क्या कहा? बस वही पुरानी बात, दादी माँ तुम्हारा और मेरे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। खैर छोड़ो, ये बताओ मेरे लाए हुए ग्राहकों की देखभाल ठीक ठाक कर रही हो कि नहीं? सुबह से कितनी मेहनत कर रही हूँ, देखो ना क्या हाल हो गया है। एकदम चेहरा मुरझा गया, लाओ मैं ताजा किए देता हूँ। सर मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो डाकू लोग अभी भी महल में हैं। आप जल्दी से जल्दी सर्च वारंट भेज दीजिए। सुनो इंस्पेक्टर, कलेक्टर साहब ने महारानी को बुलाया है, अब उन्हें पता चल जाएगा। यस सर। मोटू बाबा। हाँ बाबा। बाबा हाँ। चूना पाउडर लगा लगा के इस बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम क्यों लगा रहे हो? महारानी जी शहर जा रही है। शहर जा रही है? हाँ। तेरी माँ देखने? अरे नहीं भाई, हाँ। कलेक्टर साहब ने उन्हें बुलाया है। उड़ गया कबूतर, कलेक्टर ने रानी साहिबा को बुलाया है? क्या वक्त ने पलटा खाया है। एक जमाना था कि लाट साहब लोग रानी साहिबा की खिदमत में सलाम बजाने आया करते थे, और अब वक्त बदल गया है भाई, तुम भी बदल जाओ इससे पहले कि ये गाड़ी बदले। कैसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे 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 वैसे हो गए, साफ करते रहो, साफ करते रहो। कुछ समझ में आया? जी नहीं। कहाँ मर गया है राम सिंह, इतनी देर में एक मैकेनिक नहीं ढूंढ सका। मैं चाहती हूँ और देर हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सुनसान जगह है, पत्तों की खड़खड़ाहट, चिड़ियों की फड़फड़ाहट। एक्साइटेड। जब शेर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी ना, तब तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट निकल जाएगी। दीदी गाड़ी में ऐसी शेरनी बैठी है, शेर ही उसे देखकर तुम दबाकर भाग जाओ। प्रकाश जरा देखो तो गाड़ी को क्या हो गया है। इसके अलावा तुम्हें कोई और मैकेनिक नहीं मिला? सुना, जाओ किसी और को बुला लो। प्रकाश गंगा। हाँ विलायती गाड़ी है ना, इसलिए इसका ये आलम है। कार्बोरेटर का यार गैरेज ले जाना पड़ेगा। ओफो, अब क्या होगा? ऐसा करते हैं हम तुम्हारी गाड़ी में चले चलते हैं, गणपति ये गाड़ी ले आएगा। गंगा तुम नहीं जानती हो कि हम किसी और की गाड़ी में नहीं बैठते हैं। मगर दादी माँ शाम होने को आ रही है, जंगल में शेर चीते हैं, खा
खा जाएंगे हमें। अजीब मुसीबत है। घबराओ मत रानीमा, अपनी ही गाड़ी में जाएंगे। हाँ?
कबूतर। बुढ़ी ने दम तोड़ दिया, हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया दादी, पंचर हो गया। अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे ऊपर वाले ने 11 नंबर की गाड़ी देकर हमें पहला जो किया है उसी से, यानी पैदल पैदल। दुनिया में प्यार है तो शांति है, और यही पैगाम सुनाने के लिए मैं घूमता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से रण और कश तक, और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखा। अब बचा क्या है? अंकल, आप हमेशा घर से बाहर रहते हैं तो आपको घर वालों की याद नहीं आती? घर? हाँ घर, हाँ मेरा घर था। याद से नहीं होना चाहिए। फिर से अपनी गाड़ी ठीक करवाने जा रही हो? जी नहीं, बाजार जा रही हूँ, गोभी, बैंगन, टमाटर, तोरई खरीदने। प्रिंसेस, दीदी, प्रकाश भैया से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? वो काफी दिनों से महल नहीं आए। दादी माँ ने प्रकाश को धमकी दी है कि अगर वो महल की तरफ आया तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। उस दिन प्रकाश भैया ने नाच गाकर दादी माँ को ऐसा सताया कि उन्हें गुस्सा तो आना ही था, लेकिन वो सिर्फ धमकी से डर गए, डरपोक कहीं के। कावेरी, एक राजकुमारी एक डरपोक से प्यार करे, ये राजकुमारी की आन को शोभा नहीं देता। हमें गुस्सा मत दिलाओ। अरे गुस्सा उतारना है तो प्रकाश भैया पे उतारो, हमसे क्या। May I help you, madam? अरे नाराज क्यों होती है राजकुमारी जी, अभी आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मेरी गाड़ी राजपुतानी है, तुम जैसे बुजदिल से ठीक नहीं होगी। बुजदिल? तुम मुझे बुजदिल कह रही हो? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, दादी माँ की जंग लगी बंदूक से ही डर गए। और वो दिन भूल गई जब तुम्हारी दादी माँ की फटकार को बर्दाश्त किया? जानते हो महिवाल ने मोहब्बत में क्या किया था? क्या किया था? डरना तो आता नहीं था, अपनी सोनी को डूबने से बचाने गया, खुद ही डूब गया। जान तो दी थी ना। अच्छा अच्छा, मोहब्बत में जो जान दे वही तुम्हारी नजरों में सच्चा प्रेमी है। बेशक। ठीक है, तुम पानी में छलांग मारो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में खुद डूब जाता हूँ। मैं डूब नहीं सकती, मुझे तैरना आता है। तैरना आता है? थोड़ी देर के लिए तैरना भूल नहीं सकती? ठीक है, मैं खुद ही पानी में छलांग मार कर डूब जाता हूँ, ठीक है ना। अरे रुक क्यों गए? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं डूब नहीं सकता, मुझे तैरना आता है। आप बोलो मैं क्या करूं? पहले तो ये गाड़ी ठीक करो। अरे ये क्या? गाड़ी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। हा? क्योंकि गाड़ी की मालकिन जो ठीक हो गई है। कावेरी। Good morning, Your Highness. Good morning. Beautiful flower. तुम्हारी बड़ी बहन है ना? कृष्णा दीदी। हाँ। हाँ। मैंने सुना था उनकी शादी हो गई, फिर गंगा से पता चला, ऐसी कोई बात नहीं। बात क्या है? बता तो सकती हूँ, पर आप किसी से कहेंगे तो नहीं? नहीं। Promise? Promise. एक राजकुमार के साथ दीदी की शादी की बात चली थी, भैया ही रिश्ता लाए थे और दादी माँ ने भी पसंद किया था। उसके बाद?
उसके बाद दादी माँ ने बड़ी शानो शौकत के साथ राजा जी की अगवानी की। ये दादी जी हैं, सवाल ना गदे। और ये पत्थर के राजा हैं, और ये मेरी बहन। नमस्ते। आइए, आइए गदे। और उस रात जानू जानू थारी यारी, जानू जानू थारी यारी मारी नतनी पे तो मारी कब से लगी है नजरिया राजा जी। जानू जानू थारी यारी मारी नतनी पे तो मारी कब से लगी है नजरिया राजा जी। हो गई लत मेरी तो मैं मर जाऊंगी, हो गई लत मेरी तो मैं मर जाऊंगी। जानू जानू थारी यारी मारी नतनी पे तो मारी कब से लगी है नजरिया राजा जी। कोई भी लिहाज नहीं करूंगा तेरा, नथनी चुराना ही तो पेशा है मेरा। हाँ कोई भी लिहाज नहीं करूंगा तेरा, नथनी चुराना ही तो पेशा है मेरा। चाहे कितना कल पर टालो, चाहे कितना कल पर टालो, मुखड़ा घूंघट में छुपा लो, अब तो पढ़ के रहेगा डाका जी। जानू जानू थारी यारी मारी नतने पे तो मारी कब से लगी है नजरिया राजा जी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। उम्मीद है आपकी रात बड़े आराम से कटी होगी। बड़े आराम से कटी। आपका इंतजाम ही कुछ ऐसा था लाजवाब। लेकिन चाय के साथ आपने क्यों आने की तकलीफ की? ये तो हमारे होटल का दस्तूर है। राजकुमारी जी, वो क्या है कि उसका बाथरूम ठीक नहीं था, उसके कमरे का बाथरूम ठीक नहीं था, पानी गर्म नहीं आ रहा था, इसलिए नहाने को आई। और जस्ट पैक योर बैग्स एंड लीव। संपत बाहर फेंको इनको। जी है बदमाशी हमारे होटल में। ए लड़की बाहर निकलो, गणपत बंदूक लाओ। प्रिंसी प्रिंसी चल बदमाश निकल बाहर। प्रिंसी 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 देखो देखो देखो, ये क्या बदतमीजी हो रही है? बदतमीजी नहीं कुंवर जी, मेरी राजकुमारी जी का हुक्म है। कृष्णा जी का? जी हाँ, इनके बाथरूम में से ये सामान निकला है। इनके बाथरूम से? जी हाँ। आए,
मेरे बाथरूम से क्यों नहीं निकला? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने नीच, इतने कमीने, इतने गंदे आदमी हो। तुम मुझे गाली दे रहे हो? हाँ, तुम्हें गालियां दे रहा हूँ। मुझे? हाँ। लाख रुपया तुमने मुझसे लिया है, अपनी बहन का सौदा करने तुम मेरे पास आए थे और मुझे गाली दे रहे हो? झूठ, मैंने तुमसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया। कोई भाई अपनी बहन का सौदा करेगा? बंदूक ला इधर। बंदूक का डर मत दिखाओ, तेरी लाख रुपए की हुंडी है मेरे पास। मैं तेरी हुंडी की कुंडी कर दूंगा। उसके बाद वो राजकुमार जी और वो लड़की ऐसे भागे ऐसे भागे कि आज भी याद कर करके मुझे तो हंसी आने लगी। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे भैया अच्छे आदमी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था। अच्छा एक बात बताओ। नहीं नहीं, अब और कुछ नहीं बताऊंगी। अरे सुनो तो। आओ बैठो। बेटे कृष्णा, हमने ये तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी महाराज मोहनगढ़ से होगी। दादी माँ, हम जानते हैं जब से दिनेश ने तुम्हें धोखा दिया है तुम्हें हर मर्द से नफरत हो गई। लेकिन हर मर्द तो दिनेश नहीं होता। महाराज मोहनगढ़ अच्छा आदमी है। दिनेश और महाराजा मोहनगढ़ में फर्क ही क्या है? देखो कृष्णा, तुम अपनी दादी माँ की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। दादी माँ, आप मुझे अपना हुक्म न मानने के लिए मजबूर न करें। जी रुको, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। कलेक्टर का चपरासी यह लेकर गया है। कलेक्टर? जाओ उसको कह दो जब तक हमारी गाड़ी ठीक नहीं होती हम नहीं आएंगे। दादी माँ, ये सरकारी समन्स है, आप नहीं जाएंगी तो वो अरेस्ट का वारंट भेज देंगे। दादी माँ, गाड़ी हम प्रकाश से ठीक करवा सकते हैं। खबरदार, जो उस बदतमीज आदमी का नाम लिया हमारे आगे, हमने उसको इस महल में आने को मना कर दिया है। दादी माँ, प्रकाश हमारे लिए इतना कुछ करता है और आपने उसी को आने से मना कर दिया। जानते हैं उस रात वो इतने सारे गेस्ट कैसे लेकर आया था? उसने जानबूझकर सब गाड़ियों के कंडेंसर वायर काट दिए थे ताकि हमारा होटल फुल हो जाए। अच्छा, नमस्ते। हमें पता चल गया उस रात तुम किस तरह हमारे होटल के लिए मेहमान लेकर आए थे। ये तकनीक तुम्हें पहले इस्तेमाल करनी चाहिए थी। दादी माँ, दादी माँ, हम तुम्हारी दादी माँ नहीं है, रानी साहबा कहो। जाओ और कृष्णा बेटी से अपना कमीशन ले लो। लेकिन कमीशन के लालच में मैं मेहमान नहीं लाया था। तो फिर किस लालच से? ओह, तुम हमारी मदद करना चाहे? हम इतने गए गुजरे नहीं है जो तुम्हारे जैसे लोगों की मदद चाहेंगे। जाओ और अपना हिसाब कर लो। तुम तो इतने डरपोक हो, दादी माँ के सामने ये बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम्हें कौन सा कमीशन चाहिए। हिम्मत देखना चाहती हो? अभी जाकर बोल देता हूँ। रहने दो रहने दो। क्या रहने दूँ, एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा। जब वक्त आएगा ना तो दीदी बोल देंगी। ऐसा कहो ना कि दादी माँ के सामने तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं। कैसे नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं भी बोल दूंगी। ऐसा? तो समझ लो वक्त आ गया। हा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं दादी माँ हूँ और तुम दादी माँ के सामने शादी की बात करने आई हो। कहो। दादी माँ, मैं प्रकाश से शादी करना चाहती हूँ। कौन प्रकाश? मोटर मैकेनिक? जी दादी माँ। क्या देखा है तुमने उस मोटर मैकेनिक में? दादी माँ, महल की सारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं। अगर घर में मैकेनिक होगा तो मुफ्त में मरम्मत हो जाएगी। मजाक नहीं, मजाक नहीं। फिर से गंगा, ये मत भूलो कि तुम एक राजकुमारी हो और वो एक मोटर मैकेनिक। राजकुमारी नहीं, होटल की हाउसकीपर। गंगा, हम अपने गुजारे के लिए होटल नहीं चलाते। गुजारे के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हमें कड़वी सच्चाई सुनना पसंद नहीं। पसंद हो ना हो, लेकिन सच तो सच है दादी माँ। हमें शिक्षा देने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत एक राजकुमारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें खुशी हुई जब भी तुम्हारी रगों में राजघराने का खून का रंग फीका नहीं पड़ा। उस रंग की एक और निशानी याद रखिए दादी माँ, एक राजकुमारी जब किसी से प्यार करती है तो उसके लिए जान भी दे सकती है। शाबाश, हमें तुम्हारे प्रेम पर गर्व है। हम उस मामूली मोटर मैकेनिक को ऑटोमोबाइल इंजीनियर कहकर
तुम्हारी शादी करा देंगे। दादी माँ आप कितनी अच्छी हैं। तुम्हारी ये मजाल एक राजकुमारी के साथ गुस्ताखी करो। दादी माँ मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ। राजकुमारी ऐसे ऐरे घरों से प्यार नहीं किया करती। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आपने मुझे ऐसे ऐरे घरे कैसे कह दिया? राजकुमार हो, कौन से स्टेट के हो, बताओ कहाँ के महाराजा है तुम्हारे पिता? अच्छा माँ, तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि मैं बेटा किसका हूँ। मेरा क्यों? वो तो हूँ ही माँ, पर मेरे पिता कौन हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। क्यों जानना चाहता है तू? मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है जो तुझे आज अपने पिता का नाम जानने की जरूरत पड़ गई? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप हो। लेकिन माँ, आदमी का परिचय उसके पिता के नाम से ही होता है। मुझे बताओ मां, आज तुम्हें बताना ही होगा। मैं बताता हूं। लेकिन भैया, सावित्री तुम अंदर जाओ। तुम आज महल में गए थे, इसीलिए अपने पिता का नाम जानना चाहते हो, क्यों नहीं? अपनी पहचान मालूम होनी ही चाहिए। लेकिन बेटे, जो सच जानकर दुख हो उसे ना जानना ही अच्छा। और मैं सच जानना चाहता हूं। प्रकाश, तुम अपनी मां के नाजायज बेटे हो। क्या कहा तुमने? मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। दादी माँ, मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। जी हाँ। प्रकाश बेटे, मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है। तुम्हारी मां जिंदगी में बहुत रो चुकी, उसे और मत रुलाना। मां, ए मां, मुझे अपना परिचय मिल गया मां। हां मां, देख मेरी आंखों में, देख मां। मां, हां मां, मुझे अपना परिचय मिल गया है। अब मैं सारी दुनिया के सामने सिर उठाकर कह सकता हूं कि मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं। हां मां, मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। मां, मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसकी उंगली पकड़े बिना मैंने चलना सिखा है। मां सुन, आज दोपहर के खाने में मेरे लिए खीर जरूर बनाना। हाँ, अपनी मां को झूठी तसल्ली देकर आए थे? नहीं मामा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं बेटा। मैं उस खूसट बुढ़िया को देखता हूं। मामा साहब, क्या बात है?
कहाँ है गंगा की दादी माँ? महारानी जी आराम फरमा रहे, आप महल के अंदर नहीं जा सकते। ये महल नहीं होटल है। संपत, इस आदमी से कह दो ये महल अभी भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ वही आदमी दाखिल हो सकता है जिसको हमने इजाजत दी हो। अपनी इजाजत को आप ही संभाल कर रखिए, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आपके महल की दीवारें खोखली हो चुकी हैं, आपके रस्मी शानों शौकत के पत्ते पतझड़ में टूट चुके हैं, अब ये सिर्फ सूखी लकड़ी है जिसमें सिवाय अकड़ के कुछ नहीं रखा। संपत, इस अदने को उठाकर बाहर फेंक दो। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं अपने प्रकाश के अपमान का जवाब देने आया हूँ और वो ये है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहते। अरे कान खुलकर सुन लो, अगर प्रकाश ने इस महल में फिर कदम रखा तो हम उसे खुद गोली से उड़ा देंगे। फांसी पर चढ़ने का इतना ही शौक है महारानी तो अपने महल के किसी नौकर को गोली मारकर पूरा कर लेना। मेरा भांजा लावारिस नहीं, वो मेरे घर का राजकुमार है। अब कभी दोबारा उसका यहाँ अपमान हुआ तो मैं तुम्हारे इस महल को जलाकर राख कर दूंगा। प्रकाश का मामा किधर है वो? तमीज से बात करो कुलदीप। तमीज तो मैं तुझे सिखाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का अपमान करने की, वो भी महल के अंदर घुसकर। कैसी महारानी, कौन सी महारानी और कैसा महल? वो अब होटल है और अगर प्रकाश ना होता तो कब तक खंडर बन चुका होता और तुम सब भूखे मर गए होते। शट अप यू बास्टर्ड। सिंह, आज तेरे सिर से मैं रजवाड़े का भूत उतार ही देता हूं। आप यहां से जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। मैं सब सुन चुका हूं, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। प्लीज जाइए। अरे भागता किधर है? जाने देने प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, राजपाट तो कब के खत्म हो गए लेकिन आप लोगों का जी हुजूरी का नशा अभी तक नहीं उतरा। नहीं प्रकाश। मामा इंस्पेक्टर साहब को समझा दो क्या अब हमसे यह अन्याय और सहा नहीं जाएगा। गंगा पर्वत महल छोड़कर चली गई है। क्या? पढ़ो इसे। तुम मामा जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे, उन्हें रानी मां से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जो होना था सो हो गया। पुलिस को फोन करो प्रकाश के अगेंस्ट कंप्लेंट। लीगली गंगा नाबालिग है। गंगा अपनी पिछली सालगिरह पर बालिग हो गई है दादी माँ। हमने तुमसे कुछ करने के लिए कहा है? पर दादी माँ अगर गंगा बयान दे दे कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से गई है तो? कुछ भी हो वो स्वर्गीय महाराज विक्रम सिंह की पोती है,
एंड दैट्स नोबडी। पर हम कर ही क्या सकते हैं? हम गंगा को कत्ल कर देंगे दादी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब रिश्ते नाते पर्वत महल में छोड़ाई हूँ। ये क्या कर रही हो गंगा? हाँ प्रकाश, मैं सच कह रही हूँ। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता गंगा। प्रकाश, मैंने ठीक ही कदम उठाया है, और अब जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, क्या तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे? कैसी इज्जत दादी माँ। इज्जत तो महाराज विक्रम सिंह के साथ ही खत्म हो गई। उनके जमाने में मेहमान नवाजी महल की शान होती, और आज हम महल में आने वाले मेहमानों से पैसे लेते हैं। इस महल को होटल बना दिया है हम लोगों ने। हाँ, वही आया होगा, और शायद ये कहने के लिए आया है कि वो हमारा दामाद है। दादी माँ, दादी माँ, रुक जाइए। हम तुम दोनों को शूट कर देंगे। इस बंदूक में 100 साल पुराना जंग लगा हुआ है, इससे तो चिड़िया भी नहीं मिलेगी। गंगा को इस तरह मैच छोड़कर नहीं आना चाहिए। लड़के प्रकाश, तुम हमसे बात करो। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके शाही कान हम जैसे आम लोगों की बात सुनते ही नहीं। हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था? जी हाँ। तब यहाँ क्यों आए? तो क्या गंगा को इस तूफानी रात में अकेला छोड़ देता? प्रकाश ठीक कह रहे हैं दादी। गंगा यहाँ क्यों आए? यहाँ उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था? दादी माँ, शाही खानदान के तौर तरीके शायद तुम भूल गई हो। पर्वत महल के लिए अब गंगा गायब हो गई। गंगा, आंसुओं से शाही उसूल मिटाए नहीं जा सकते। उसूल? आपके शाही उसूलों ने आज तक आम लोगों के सुख दुख और जज्बात की परवाह नहीं की। बगावत! उसूलों पर नाश तो हम लोग करते हैं, इसीलिए आपकी बिन ब्याही पोती को अपने घर ना रखकर आपके पास वापस लाया हूँ, ताकि एक दिन इज्जत से ले जाऊं। तो फिर तुम इसे अभी ले जाओ। ये अभी तक यहाँ खड़ी क्यों है? दादी माँ, गंगा ये महल अकेली नहीं छोड़ेगी, उसके साथ कावेरी और कृष्ण भी जाएंगे। क्या अब तुम बगावत पर आबादा हो गई हो? दादी माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे अभी तेरे दूध के दांत गिरे नहीं, और तुम हमें सिखाने की कोशिश कर रही हो, बदतमीज! प्रकाश बेटा, एक बात पूछूं? पूछो माँ। गंगा तो खुद तुम्हारे पास आई थी ना? हाँ माँ। फिर तुम उसे वापस पर्वत महल क्यों छोड़ाए? मेरे पाप की सजा उसे देना चाहते हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ हो, और माँ कभी पाप नहीं कर सकती। फिर तुम गंगा के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? मैंने गंगा के साथ इस वक्त भले ही अन्याय किया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कलंक से बचा लिया माँ। कलंक? नहीं समझना माँ, मुझे गलत नहीं समझना। क्या हुआ? इंस्पेक्टर का बच्चा फिर यहां आया था। हमें फौरन यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन कहां? बंबई। नहीं, हमें बंबई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बंबई की पुलिस अब तक हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन यहाँ पे महारानी पुलिस को हमारी सर्च करने की कभी इजाजत नहीं देगी। तुम महारानी और अपनी फल फलोटी के साथ जब तक चाहो यहाँ पे रहो,
अभी क्यों रोक रहे हो? Shut up, will you? You shut up. शांति शांति, no fighting. ये जगह अब खतरे से खाली नहीं. और अब्दुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. मेरा भी यही ख्याल है. जल्दिया. All right. किसने किसे ठुकराया, किसे धोखा दिया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं. अब आप यहाँ से जाइए. दादी माँ को आपकी असलियत का पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा. तो देर किस बात की, बता दीजिए ना अपनी दादी माँ को कि मैं कौन हूं. दादी माँ को असलियत बताने से आपकी नहीं मेरी तौहीन होगी. नाउ प्लीज गो अवे. चला जाऊंगा प्रिंसेस, लेकिन अपने सवाल का जवाब लेकर. जवाब तो दूर, मैं आपका सवाल भी सुनना नहीं चाहती. सलाम साहब. ये अभी गाड़ी लेकर कौन गया? गाड़ी का मालिक साहब, जो होटल में ठहरा हुआ. गधा कहीं का. मैंने प्रकाश को मना किया था कि गाड़ी की डिलीवरी किसी को मत देना. अरे पीछे करो. सर, वो डाकू लोग हमारी नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे, मगर उनकी कार एक खाई में गिर गई और सभी डाकू मारे गए. तुम ये कैसे कह सकते हो? सर, मैंने खुद उनकी कार को खाई में गिरते और जलते देखा है. क्या तुम्हें उनकी लाशें मिली? नो सर, अभी नहीं. इंस्पेक्टर, उनकी लाशें मिलते ही हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करो. यस सर. सिंदूर? हाँ बेटे, यही सिंदूर लेकर मैं बरसों पहले मंदिर में उनका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आए. उन्हें आना पड़ेगा माँ, उन्हें आना पड़ेगा. मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर ही आऊंगा. नहीं बेटे, तुम ऐसा नहीं करोगे. माँ. हाँ बेटे, मैं अपने बीते हुए कल के अंधेरों से निकलकर आज के उजालों में जीना चाहती हूँ, और मेरा उजाला सिर्फ तुम हो बेटे, तुम हो. माँ, अगर आज तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? तुम स्वीकार करोगे? हरगिज नहीं. मेरे स्वीकार करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तुम्हें को अपनी माँ और बाप जाना है. लेकिन बेटे, अपने बाप के परिचय के बिना क्या इस समाज में तुम सर ऊंचा करके चल सकोगे? माँ, मेरे लिए माँ का आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा परिचय है. प्रकाश, लगता है आज फिर तुम
माँ के बारे में चिंता कर रहे हो। हाँ गंगा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो अपनी माँ का दुख भी दूर नहीं कर सकता। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता आखिर माँ चाहती क्या है। माँ चाहती है कि तुम अपने पिताजी को ढूंढ निकालो। लेकिन माँ अपना अतीत भूल जाना चाहती है। प्रकाश, तुमने माँ की मुंह की आवाज सुनी है, दिल की आवाज नहीं सुनी। अल्लाह, मैं ठीक कह रही हूँ। एक औरत ही औरत को समझ सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पिता ने जो मेरी माँ के साथ किया है, अगर वही मैं तुम्हारे साथ करूं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? इसका फैसला करने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना जरूर चाहूंगी। मेरी बात मानो प्रकाश, तुम्हें अपनी माँ की खातिर अपने पिताजी को तलाश करना ही होगा। ठीक है, मैं उनकी तलाश करूंगा। प्रकाश। गुड इवनिंग, कौन? हाँ दिनेश, कहाँ से बोल रहे हो तुम? इस वक्त हम लोग पर्वतगढ़ के पर्वत महल होटल में हैं। ये जगह बॉम्बे बैंगलोर रोड पर सांगली के पास है। 10 लाख रुपए लेकर आइए और अपनी चीजें ले जाइए। 10 लाख? लेकिन 10 लाख की बात तो नहीं हुई थी। अब हो रही है। तब तो कुलदीप को बीच में डालना पड़ेगा। कुलदीप को भूल जाइए और उसे ये भी बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। पता तो आपको याद है ना? हाँ। मैंने आपकी और दिनेश की पूरी बातें सुन ली। फिर से तुम? दिनेश मुझे डबल क्रॉस करना चाहता है। वो मेरा खानदानी नौ रखा हार हजम करना चाहता है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि वो और उसके चमचे इस वक्त मेरी मुट्ठी में हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि पर्वतगढ़ हमारी रियासत है और पर्वत महल होटल हमारा महल है और इस वक्त वो सब लोग वहां ठहरे हुए हैं। प्रिंसी, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखो वो चिट्ठियां और फोटो अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। फिर भी आप उसके चंगुल से नहीं बच सकते क्योंकि वो बैंक रॉबरी के मामले में आपको ब्लैकमेल करेगा। अगर आपने उसको रुपया नहीं दिया तो सब कुछ पुलिस को बता देगा और आपकी मधुर जिंदगी के अंदर सब शांति शांति हो जाएगी। माय गॉड, अब गॉड भी आपका कुछ नहीं कर सकता क्या? अब मेरा मतलब है कि उस कमीने से बचने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए लेकर महल तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या मुसीबत है? तो सुनो, तुम नहीं आओगे क्या? शांति शांति, मुझे आपसे पहले उस लालची से मिलके सारा मामला फिट करना है ना। अब 10 लाख का 5 लाख करना है। अब समझ गए ना? प्रिंसी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत काम करना है मुझे। ड्राइवर जी साहब, पर्वतगढ़ और कितनी दूर है? बस 2-3 किलोमीटर है साहब। क्या चाहते हो तुम लोग? Thank you.
चल। कौन है ये? मैं इन्हें नहीं पहचानता। ड्राइवर होकर मालिक को नहीं पहचानते? ये मेरी प्राइवेट टैक्सी है, इन्हें बंबई से ला रहा हूँ, होटल पर्वत महल जाना है। प्रताप, डॉक्टर के पास ले जा और मरहम पट्टी करवा कर महल छोड़ दे। तुम भी चलो ना। मैं चलूंगा तो मेरी बंबई की गाड़ी छूट जाएगी और वहां जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इन्हें जरा संभाल के उतारना। नमस्कार। ये जख्मी कैसे हुए? अरे सब ड्रामा है, आज रात को इन्हें पढ़ लेना। राइट। ये बैग संभालिए, इसमें काफी रुपए हैं। अच्छा सुनो, प्रकाश साहब से कहना उनसे कुछ जरूरी काम है, मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। जी मैं महेंद्रनाथ जी से मिलना चाहता हूँ। वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है, कहाँ मिल सकते हैं? कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं? जी आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं उनसे कोई मदद मांगने नहीं आया हूँ। मदद? मदद की तो आप उनको जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका बैंक लूट जाने के कारण पुलिस उनको कानून के फंदे में फंसाना चाहती है और चोर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। चोर? जी समझ गया। क्या समझ गया? ये तस्वीरें, ये मालकिन और ये मालिक। लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते सेठ जी कि बैंक लूटने के लिए हमें आपने ही तैनात किया था। बिल्कुल गलत, मैंने तुमसे सिर्फ एक लॉकर खोलने के लिए कहा था। डाका तो डाका है सेठ जी, चाहे एक लॉकर कहो या दस। इसका नतीजा क्या हुआ जानते हो? मेरे हाथ से बैंक का इंतजाम निकल गया। सेठ जी ये तो हमारी मजदूरी ना देने का बहाना है और हमारे धंधे में बहाना नहीं चलता। देखो दिनेश, मैं मजबूर हूँ। आपकी मजबूरियां आपका मसला है सेठ जी, मैं आपको सिर्फ 48 घंटे का समय देता हूँ, आप क्या देना चाहेंगे? अपनी कीमती जान या 10 लाख रुपए? हैंड्स अप। अरे पिस, ये शिकार है, माचिस है, आई मीन लाइटर। लाइटर। तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अंधा, मेरा बाप अंधा, मेरा खानदान अंधा, और आपको देखने के बाद अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा होकर आदमी इस दुनिया से चला जाए। तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना। वो 1 लाख की बात भूल जाइए मिस्टर चार्ल्स। लगता है कि राजा के हाथों आज एक और मर्डर लिखा है। मर्डर? शौक से करो। लेकिन तुम्हें वो 9 लाख हार कैसे मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। राजा वो खौफनाक बला है जो 9 लाख हार पाने के लिए पहले तेरा मर्डर करेगा, उसके बाद तेरी बहन का मर्डर करेगा, उसके बाद तेरे भांजे का मर्डर करेगा। मर गया। उसने ठीक ही कहा था, हमें यहां से जल्द भाग जाना चाहिए, खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। खतरे को छोड़कर नहीं, खतरे को खत्म करके जाना चाहिए। वो राजा नहीं, प्रिंस ही था। गंगा दीदी, बड़ी दीदी कहाँ है? कावेरी प्लीज मुझे चिट्ठी लिखने दो। टू हेल विथ योर चिट्ठी। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है हम सबकी जान खतरे में है। What nonsense? क्या हुआ? बड़ी दीदी आपको मालूम है वो महाराजा मोहनगढ़ है ना, वही बैंक रॉबर है। क्या? By God, बड़ी दीदी मैं खुद अपने कानों से उन सबकी बातें सुन के आ रही हूँ। किन सबकी? वो चार्ल्स राजा है ना, वो महाराजा से 9 लाख हार मांग रहा था। क्या? हाँ। इसका मतलब दिनेश के पास ही 9 लाख हार है। वो जोकर कह रहा था कि वो बुढ़ा भी दिनेश और चार्ल्स से मिला हुआ है।
मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अब क्या करेंगे दीदी? कौन हो तुम? शांति शांति। ओ प्रिंसी। चार्ल्स। अभी अभी दिनेश मुझे धमकी देकर गया है, अगर 48 घंटे के अंदर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार देगा। 5 लाख रुपए लाए? 2 लाख। 2 लाख? अरे भाई 2 लाख ले आ, यही गरिमत है। इस बैंक रॉबरी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। ये बैंक रॉबरी भी तो आप ही ने करवाई थी। लेकिन सलाह देने वाले तुम ही थे। जिन डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के जरिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो सब कागजात उसने आप ही के बैंक के लॉकर में जमा कर रखे हैं। मगर उससे क्या होगा? बैंक का लॉकर खोलिए और कागजात निकाल लीजिए। तो मतलब मैं अपने बैंक में कुछ चोरी करूं? जी नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक भरोसे वाला आदमी। और फिर ये दिनेश तुम्हारा ही तो आदमी है जो अब तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है? इस धंधे के अंदर हर आदमी एक दूसरे आदमी को डबल क्रॉस करने के चक्कर में लगा रहता है महेंद्रनाथ जी। लाइए रुपया, लाइए। देता हूं। तुमने मुझे सड़क से उठाकर डॉक्टर के पास ले गए थे ना? जी हाँ, वही तो मुझसे गलती हो गई थी। आपको तो पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। पुलिस स्टेशन? जी हाँ, जिस बैंक के आप चेयरमैन हैं उसी को लुटवा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस कमबख्त स्वरूप चंद ने मेरा जीना हराम कर रखा था। ये महाशय कौन है? मेरे और एक साधारण सी लड़की सावित्री के प्यार के राज को जानने वाला। उस वक्त मॉडर्न बैंक के जो चेयरमैन थे उनकी इकलौती लड़की के साथ शादी का रिश्ता आया, और जिसे मैं बड़ा आदमी बनने के लालच में ठुकरा नहीं सका। और उस साधारण लड़की को ठुकरा दिया क्यों? तब मैं चेयरमैन बनने का सपना देखा करता था, और वो सपना भी आपका पूरा हो गया। लेकिन तब तक मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी को धोखा दिया, और इस डकैती के सदमे को मेरी बीवी बर्दाश्त न कर सकी और उसका हेड फेल हो गया, और साथ ही साथ सरूप चंद का कांटा भी निकल गया। लेकिन मैं आसमान से गिरा तो खजूर पे अटक, क्योंकि दिनेश ने आपको जान से मारने की धमकी दी है, और आप जैसे आदमी के लिए ये सजा कोई ज्यादा तो नहीं। तुम ठीक कहते हो, मरने का ना तो मुझे कोई गम है न कोई डर। लेकिन मरने से पहले एक बार सावित्री से मिल पाता, ये मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? तुम सावित्री को जानते हो? जी हाँ, वो साधारण लड़की सावित्री मेरी माँ है। यानी कि तुम मेरे? सिट डाउन मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं। कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरा बाप मर चुका है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों आप उनसे मिलना चाहते हैं? इतने अरसे के बाद क्यों आप उनके जख्मों को कुरेदना चाहते हैं? बताइए। बेटे, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी मांगकर आप उनकी जिंदगी के 24 साल वापस दे सकते हैं? मैं तो सिर्फ आपको यह बताने आया था कि दिनेश आपको जान से मार सकता है, और मैं दिनेश से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हूँ। बेटे, गंगा दीदी, दीदी क्या हुआ? प्रकाश भैया तो चले गए। क्या, हमसे बिना मिले ही चला गया? महेंद्रनाथ और डाकू से मिला वो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, आप उन्हें जानते हैं? प्रकाश बेटे, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें नहीं बता पाया। महेंद्रनाथ तेरे पिता है? हाँ, उन्होंने भी यही हक जताया है। लेकिन मामा, ये सच है, ये सच है बेटे। सच तो बहुत कुछ होता है मामा।
लेकिन हर सच को सच नहीं माना जाता। नहीं, ऐसा मत सोच, वो तुम लोगों के लिए ही यहाँ आए। नहीं, वो हमारे लिए यहाँ नहीं आए हैं, उन्हें डाकुओं के दबाव में यहाँ आना पड़ा अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए। अगर दो दिन के अंदर डाकुओं को 10 लाख रुपया नहीं मिला तो वो उन्हें गोली से मार देंगे। क्या? क्या हुआ माँ? सावित्री माँ, सावित्री माँ, तू जो कह रहा था वो सच? हाँ माँ। सावित्री तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं महल में जाऊंगा, महेंद्र को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, मैं उसे बचा कर लाऊंगा। बेटा मां के लिए कुछ नहीं करना चाहता तो ना करे। चल सावित्री। दिल मेरे लहरा ले गीत खुशी के गाले, दिल मेरे लहरा ले गीत खुशी के गाले, अभी तो है महफिल ये जवान। दिल मेरे लहरा ले गीत खुशी के गाले, अभी तो है महफिल ये जवान। जाने कौन कैसा सपना सलोना है बसा, अपने अपने राज है सबके, अपना सभी का है नशा। क्यों पूछे हम उनसे उनके दिल की बातें, बनाते नहीं जो राजदार। Thank you.
से बहुत प्यार है तुम्हें। ये मेरी बीवी नहीं, मेरी बहन और उसके बच्चे हैं। क्या? लेकिन भैया ने तो कहा थे ये बच्चे मेरे, यही ना? हाँ। प्रिंसी ने तो तुम्हारे नौकर से ये भी कहलवाया था कि तुमने किसी राजकुमार से शादी कर ली है। ये झूठ है। मुझे मालूम है, कावेरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दौलत के लालच में एक तरफ उसने अपनी बहन की जिंदगी को दांव पे लगा दिया और दूसरी तरफ एक दोस्त को बैंक रॉबर बना दिया सिर्फ 3 लाख रुपए की। लेकिन तुम इसका अंजाम जानते हो? जी, लेकिन जेल जाने से पहले मैं ये 9 लाख हार तुम्हारे हवाले कर देना चाहता हूँ। यार मेरे हवाले कर दो। कौन हो तुम? मैं बताता हूँ भैया। दिनेश, नौ लखा हार तुम मिल गया, हमारा शेयर 50-50। शांति शांति, अगर हम लोग यहाँ पर 50-50 करेंगे तो हम चारों अंदर हो जाएंगे। बेहतर इसी में है कि जो कुछ करना है बाहर जाके करते हैं। चले चलो। ओके। Okay.
गोली चलने की आवाज सुनी है। प्रिंस ने दिनेश पर गोली चलाई है। क्यों? ये रहा आपका नौला का हार। ये हार? मगर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने प्रिंस से छीना है। कुलदीप, तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे ही पोते ने हमारा हार चुराया? अब हमारे खानदान में चोर भी होने लग गए? प्रिंस के पूर्वज बिना किसी रोक टोक के आम जनता को लूटते थे। कानून ने उनकी मनमानी बंद कर दी तो एक ही रास्ता रह गया, आपस में छीना झपटी करें। ये तुम्हारे माथे पर खून कैसा? ताज्जुब है, आज आपने एक साधारण आदमी के लाल खून पर गौर किया। क्यों, हर आदमी का खून लाल होता है? आपका नहीं। क्या? आप तो महारानी हैं। दिनेश, अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और प्रिंस को भी यह मालूम नहीं कि आपको यहां छुपाया गया है। बेटे। मां, आप तुमने मेरी जान तो बचा ली बेटे, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। मुझे वो नौ लखा हार चाहिए, नहीं तो मैं इन बच्चों को जान से मार दूंगा। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, इन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सुना नहीं आप लोगों ने? अगर मुझे वो हार नहीं मिला तो एक एक बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। भैया, मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतना नीचे गिर सकते हो। दौलत की खातिर इन मासूम बच्चों की जान लेना चाहते हो? क्योंकि दौलत इन मासूम बच्चों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे शर्म आती है तुम्हें भैया कहने में, तुम हमारे खानदान का कलंक हो। खानदान का कलंक और मैं? दौलत के लालच में तुम पागल हो गए हो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सिर्फ तस्ता गिनूंगा। अगर वो नौला का हार मेरे हाथ में नहीं आया तो मैं एक एक बच्चे को जान से मार दूंगा। दो, तीन, चार, पांच। तुम्हारी गिनती पूरी होने से पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ठहरो कृष्णा, तुम्हें नौ लखा हार चाहिए ना? ये लो हार। थैंक यू दादी माँ। छोड़ दो इन बच्चों को। छोड़ देंगे लेकिन अभी नहीं, फिलहाल इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। रॉकी गोविंद, तुम लोग बस के अंदर बैठो। चलो अंदर चलो। हम इन्हें ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पर हमें भागने में आसानी हो। कुलदीप, मेहरबानी करके अब तो इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। ये रिवॉल्वर देखा है? हाँ। बस के अंदर बैठ। ये पिस्तौल वाले बाबू, अरे हम यहाँ प्यार की बातें कर रहे थे और तुम प्यार को गोली मारने आ गए। जोकर तू? जोकर नहीं, शांति दूत। शांति का दूत, प्यार का वाहक, अहिंसा का पुजारी। अबे ओ अहिंसा के सेवक, मेरी पिस्तौल से एक गोली चली ना, तेरी अहिंसा कहाँ जाएगी तुझे खुद पता नहीं चलेगा। गोली मुझ पे चलाएगा? मुझ पे गोली चलाएगा? अरे छोड़ छोड़ छोड़, इन बच्चों को छोड़ दे, चल। अगर नहीं छोड़ू तो ये शांति दूत शांति की रक्षा के लिए अशांति पर उतराएगा। मैं ये रिवॉल्वर उड़ गया। कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया। चलो Thank you.
क्या है? चल बैठ जा। अरे ये ड्राइवर कहां मर गया? अबे कोई है? कैसे कैसे नमूने हटाते हैं सारे? अबे ये क्या बदमाशी है? ये ले। शांति शांति। अच्छा तो तू आया हमें रोकने? रोकने नहीं टोकने, टोकने से तू मानेगा नहीं इसलिए ठोकूंगा। शाबा, लाओ हमें पिस्तौल दे दो, ये हमारी है। लाओ लाओ। हाँ ये लो। अबे ये असली है साले, न जागी किसी को। हम जानते हैं। अंदर साले, अपने पास पर जाकर मारो। आजा। अबे ये बच्चों का खेल नहीं है। आ जाओ देव, एक बार हाथ में तो आ जाओ। Oh,
अरे ये साहब पीछे पड़ गए। पानी अरे कोई प्रकाश 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 मुझे बचा ले प्रकाश मुझे बचा ले प्रकाश प्रकाश मैं तेरा हाथ देता हूँ मुझे माफ कर दे प्रकाश शांति शांति ठहरो प्रकाश दादी माँ तुम इसे नहीं मारोगे आप नहीं जानती क्या ये मैं सब कुछ जानती हूँ आज मैं इस खानदान के कलंक को अपने हाथों से मिटाऊंगी नहीं दादी माँ नहीं आप मुझे नहीं मार सकती आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी जिम्मेदार आप है मारना है तो अपने आप को मार कर प्रायश्चित करो दादी माँ आगे मत बढ़ मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ मैं मर गया तो ये राजघराना भी खत्म हो जाएगा दादी माँ आज मैं तेरे साथ इस राजघराने को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी नहीं दादी माँ प्रकाश वो हार मुझे दे दे नहीं देना प्रकाश वरना तुझको और इस बुढ़िया को मैं जान से मार दूंगा वो हार मुझे दे अरे बेटा ये तूने क्या किया मेरे लिए तूने अपनी जान की बाजी लगा दी दादी माँ मेरे लिए हम साधारण लोग सभी से प्यार करते हैं दादी माँ आपको भी अपना बनाना चाहा लेकिन आपने खानदानी गुरूर की दीवार खड़ी कर दी और मेरा परिचय जानना चाहा मुझे तुम्हारा परिचय मिल गया क्या हो गया मेरे प्रकाश को बेटे बेटे पिताजी मेरे बच्चे मामा रानी साहबा रानी साहबा नहीं नहीं दादी माँ कहो बेटा दादी माँ कहो किसी तरह जल्दी से टोकरी पास ले चलिए प्लीज जल्दी से रानी साहिबा वी आर सॉरी हम प्रिंसी को बचा नहीं पाए और प्रकाश ही इज आउट ऑफ डेंजर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ भी आप उनसे नहीं मिल सकती मिस्टर दिनेश और महेंद्र नाथ जी आप दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए चलिए प्लीज कृष्णा तुम इन लोगों के साथ चली जाओ इनकी जमानत के इंतजाम करो लेकिन भैया मैं जो हूं अब
इंची केस में डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। हमें मालूम था कि वो एक दिन इसी तरह मरेगा। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन दादी माँ तुमने मुझे दादी माँ कहा? आप तो मेरी दादी माँ। बेटा बेटा प्रकाश, मैंने एक बेटे को खोया, दूसरे को पाया। बेटा प्रकाश हम आपका दिल बहलाएंगे।